हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चैप्टर नंबर 6 जनतंत्र का जन्म बुक कवर करेंगे, जो कि काव्य खंड का चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप अभी तक गद्य खंड का टोटल चैप्टर कवर नहीं कर पाए हैं किसी कारण या किसी वजह से, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वह चैप्टर कवर कर सकते हैं। या अगर आप, हम आशा कि आप अभी तक वह चैप्टर कवर कर लिए पाएंगे लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाए, तो वह चैप्टर आप प्लेलिस्ट में जाके कवर कर सकते हैं। उसमें अगर आप चाहे तो बुक भी पढ़ सकते हैं, और चाहे तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, और हर एक चैप्टर का हर एक VVI क्वेश्चन बताया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग फिर से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर गद्य खंड एवं काव्य खंड मिलाकर, दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बिहार बोर्ड में लगभग 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो इसे याद कर लीजिए। आपको याद इस तरह से कर लेना है, चैप्टर का नाम याद कर लेना है एवं लेखक का नाम याद कर लेना है, और साथ में आपको यह भी याद कर लेना है कि कौन सा चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो आप सो ये भी याद कर लीजिएगा। तो सो अब चैप्टर स्टार्ट होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि चैप्टर का लेखक हो गया रामधारी सिंह दिनकर। तो इसे भी आपको रीडिंग करना है, क्योंकि यहाँ से भी 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो यानी कि हम आपको बता दें कि टोटल ऑब्जेक्टिव 30 से 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ बुक से पूछा जाता है, जो कि आपको बुक रीडिंग करना होगा। तो 30 से 35 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बुक रीडिंग करना ही पड़ेगा। अगर आप एक बार पूरा 2400 चैप्टर रीडिंग कर लेते हैं या वॉइस रीडिंग सुन लेते हैं, तो आप उसे 35 नंबर आपका फिक्स हो गया। आप जो बच गया 20 या 25 नंबर का जो बच जाता है व्याकरण, तो वे भी हम बोर्ड के माध्यम से आपको कवर करा देंगे। तो फिर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो चैप्टर स्टार्ट हो गया तो आप इसे पढ़िए और इसका मायने भी समझिए। अगर मायने आप नहीं समझ पा रहे तो ये भी मायने हम पूरा टोटल कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। मायने एक तरह से दुख हम बताते हैं, इसका जो मायने होता है इसलिए समझना जरूरी होता है, क्योंकि जो आप अगर एक बार इसका मायने समझ गए तो फिर आपका इसका क्वेश्चन लिखने में या फिर इसका, हम आपको बता दें, ऑब्जेक्टिव में टिक मारने में आपको सहूलियत हो जाता है। तो आप इसे, इसका मायने अगर आप किसी बुक से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से आप ढूंढ के इसके मायने समझ सकते हैं, नहीं तो आप इसका मायने सुनना चाहते हैं या फिर इसके अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ऐसा भी नहीं है, देखो हो जाता है, कभी कभी हमसे भी बोलने में मिस्टेक हो जाता है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा कटिंग ही कर दे, तो ऐसा भी नहीं होता। चलो सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग फिर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो इस यहाँ भी हम यह कहना चाहेंगे कि आपको पूरा क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सही सुने, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 से 3 ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि VVI है, जो कि इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार करके पूछा जाता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हम नहीं बताते, हम बोर्ड के माध्यम से आपको जितना 7 से 8 क्वेश्चन है हम सबका आंसर बताते हैं, लेकिन जो VVI क्वेश्चन है उस पर हम कुछ ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं, जो इस बार पूछा जाएगा या क्या जो इस बार पूछा जाता है तो उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी कुछ देख पा रहे होंगे शब्द निधि है, तो इसे भी अब 1 से 2 बार पढ़ के छोड़ दीजिए। पूछा नहीं जाता, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम नहीं पढ़े, तो आप इसे 1 से 2 बार पढ़ के छोड़ दीजिए। तो प्लेलिस्ट में जाइए, और आई होप हम जितना भी समझा पाए होंगे आप लोग समझ गए होंगे। तो आई होप फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।